है गुरफली गांव, जो मेन गांव है गुरफली, और दीदी और इधर की साइड है। तो दीदी और का घर वो है पुराना वहाँ, दीदी और के घर के पीछे पूरा जंगल है। हंस रही है यहाँ से। जब त्या भी हुआ तब कन छायक जंगल ही जंगल। ससुर जी मत बड़े देखना चाहिए बुआर थे बुआर बनानी वीडियो ससुर जी चलाना चाहिए गौर। तो पहाड़ों में बहुत मेहनत होती है, इतनी दूर से दीदी और घास ले जाएंगे उस वाले डांड में, इस वाले डांड से उस वाले डांड में। वो भी आती है हमारे ताऊ ने बहुत मेहनत की इस घर को बनाने के लिए। हमारा लास्ट दिन है तो सबके साथ एंजॉय करेंगे और फिर कल हम अपने गांव चले जाएंगे। और फिर आजकल गांव में ही सोले और रखे हैं, घर पे जा रहे हैं और इनका मन ये तो बोलने नहीं देना चाहिए मेरा। और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे के सारे भाई बहन। पहाड़ों को हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में और देवभूमि उत्तराखंड से और मेरी दीदी के गांव से। तो अभी मैं आ रखी हूँ अपनी दीदी के ससुराल, आपको पता होगा। और पीछे आप देखे होंगे तो ये गुरफली गांव है और दीदी और का गाँव इधर की साइड है। तो उनका जो पहले वाला गाँव था वो वाला गाँव है। वो दीदी और पहले वहाँ रहते थे, उसके बाद वो यहाँ शिफ्ट हो गए, उन्होंने यहाँ बनाया नाना होने घर और वो यहीं बस गए। तो आप लोगों को दिखाएंगे आज थोड़ा सा गुरफली गांव, क्योंकि कल हम चले जाएंगे। दीदी भी आ चुकी है बर्तन धो के और दीदी जा रही है घास के लिए, बांझ के लिए, और मिलाते हैं दीदी को आपसे। तो आ गई मेरी दीदी, हाय। और दीदी के पीछे है सलोनी और हम जा रहे हैं घास के लिए। चलो गाइस, दोस्तों ये है गुरफली गांव, जो मेन गांव है गुरफली, और दीदी और इधर की साइड है। तो दीदी और का घर वो है पुराना वाला, तो यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा, तो वो है ये लाइन से है ना, तो उसमें है दीदी और का घर। मुझे भी नहीं पता पर दीदी और बताते हैं यहीं पे ही है। और आजकल ना आड़ू भी हो रखे हैं और दीदी का माल्टे का पेड़ भी है और सेब का भी है। तो दीदी निकाल रही है अपनी बछड़ी को। और इधर कर रखा है धुआं क्योंकि इनको मच्छर नहीं खाएंगे ना। मम्मी भी निकाल रही है भैंस को बाहर। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो मुर्गे आपको दिखाए थे मैंने। हाँ बाबा की खिरस न दादी की भुक्की न माजी को है सणु है साणु लग गए हैं। तो दीदी और के साथ मैं भी जा रही हूँ और सलोनी आ गई पीछे से, उसकी मम्मी भी आ रही है, मामी और उधर आगे चले गए हैं आधे लोग। तो इधर दीदी और के घर के पीछे पूरा जंगल है, चीड़ के पेड़ है चारों तरफ और हमारे आगे से जा रहा है कुत्ता। दगड़ियों को गैल यक जिकुड़ी खुदानी रहंदी ना मिट्टी मजाक ना खट्टी सी बात ना तकोरू की गंडली। ये है दीदी और का चीड़ का जंगल और अभी हमें उस पार जाना है।
हम इधर वाली साइड पहुंच चुके हैं और इधर से देखो दीदी और का गांव साफ दिख रहा है और इतना ही है, छोटा सा गांव है दीदी और का। अभी हम पहुंच चुके हैं जिधर हमने बांझ काटने हैं, तो देखो छोटे छोटे पेड़ हैं सारे। नाना जी चरा रहे हैं गाय भैंस, भैंस नहीं बल्द। हाय बन बोल दी। दीदी हंस रही है यहाँ से। ना इन वाला ठीक छो तुम। हम लगन पर गौर करान। तो उत्तराखंड में ना ऐसे ही जंगल होते हैं, चारों तरफ जंगल होते हैं और बीच बीच में घर होते हैं। और देखो बांझ भी है, तो इनको ही खिला रहे हैं आजकल दीदी और, क्योंकि आजकल बांझ खिलाते ना तो हरा घास कम है। हैं हाँ, तो नाना बोल रहे हैं ना तेरी ने सारी वीडियो बना के ले जानी है, बल है ना ले जानी है ना। हाँ यो छी दीदी और बिड़गा तो ऊपर नाना गाय चरा रहे हैं और दीदी फिर से नीचे चली गई है। मानो कुछ बता ले विशेषता। अरे के बताना, जब त्या भी हुआ तब कन छायक ई नी छायक जंगली जंगल। ससुरा जी मत बड़े देखना चाहिए बुआर थे बुआर बनानी वीडियो। ससुरा जी चराना चाहिए गोर। कल लगन था तिया यक बढ़िया लगन था वो पहल गंदू लगन रहा लेना। हाँ बढ़िया लगन, बहुत बढ़िया लगन था। इन्हें तो देख आ लें पर एक बड़ा जी छोटा डाला है ना कह गए तो बड़ा बड़ा रही तुम बड़ सारा चार बांझ कटना खान। ये तो लिया ना, ये तो दोस्तों यहाँ आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे दीदी के साथ, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नेचुरल हवा। और आजकल लोग ना एसी की हवा खा रहे होंगे, पंखे की हवा, कूलर की हवा, और यहाँ है शुद्ध पेड़ों की हवा, बांझ के पेड़ों की हवा और चीड़ के पेड़ों की हवा। तो ऐसा सुकून है पहाड़ों में, बहुत ही बढ़िया सुकून मिलता है यहाँ आके। और इसी के लिए हम तरसते रहते हैं कि हम कब गांव जाएंगे, और कुछ ही दिन में मैं चली जाऊंगी, तो कल मैं यहाँ से चली जाऊंगी दोस्तों, तब मुझे यहाँ की याद आएगी इनकी दीदी और की। तो अभी मामी ने भी काट दिया घास और अब लगा रहे हैं पिटका। पहाड़ों की कामकाजी महिलाएं, तो पहाड़ों में ऐसे होता है कि इतने दूर से घास ले जाना पड़ता है। है क्या सज अग्नि खा रहा उन्हें है क्या सज। चलो ये थमली तेरी रहेगी सलोनी। अब दीदी के पास मैं उठाऊंगी वहां से। तो पहाड़ों में बहुत मेहनत होती है, इतनी दूर से दीदी और घास ले जाएंगे उस वाले डांड में, इस वाले डांड से उस वाले डांड में, तो बहुत टफ होता है पहाड़ की महिलाओं के लिए।
अभी हम पहुंच गए हैं इस वाले छाल में और दीदी और का घर वो है ये वाला, ये वहाँ पे खड़े हो रखे कोई। अच्छा सचिन ने पकड़ी बुल्ला, तो सचिन ने मामा का लड़का पकड़ रखा है और कुत्ता आगे आगे से जा रहा है मेरे पीछे से, तो मैं तो खाली जा रही हूँ इधर आती लेके। तो शादी के बाद तक काम नहीं कराते है ना, है ना दी? जब भी हो जानता काम नहीं कर जाता बुल्ली की वानी हम कह दिला है ना, तू रहने दे पहल वाल जाएगी ना तुम अली लिया है ना दीदी, तू हमें जान जाए। पहले हम रोते थे दीदी के साथ जाने के लिए कि ना हम भी जाएंगे तेरे साथ, पीछे पीछे भागते थे चोर चोरी के। देख तो जानती है कि कखम पहुँच जाता हम लुक जान से पिछने हम दी थे देखा रेंज है कि कने कने जाने था हम पिछने लुक लुक के जान चाहिए हमको यहाँ मरीन छा डंडल मी दगड़े है ना तुम्हारे मार खाने में वकी मरना तुम बोले जाए ना। तो अब वो नहीं चल मी दगड़ है ना, पहले में अब में फर्क, पहले हम छोटे थे अब दीदी बड़ी हो गई और हम भी बड़े हो गए। घर पे आ गए हैं और दीदी सीरिया के बाल बना रही है ऊपर, तो दीदी और का घर बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले दीदी और के घर के सामने यहाँ पे सीरिया के ऊपर जाने के लिए तो आजकल तोड़ रखा है पूरा, तो यहाँ नया बन रहा है, तो ये पापा ने बना रखा है इतना सा, अभी और फिर आएंगे पापा से इसको पूरा बनाएंगे। और यहाँ पे सीरिया के ऊपर जाने के लिए और यहाँ पे भी बन रहा और आजकल पूरा तोड़ रखा है, पत्थर पत्थर हो रखे हैं, तो अभी नया बनाएंगे। तो मामा और का सपना था कि हम नया घर बनाएंगे अच्छा सा, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाएंगे, तो मामा और कर रहे हैं मेहनत और इसको बनाएंगे, फिर देखते हैं कितने साल में बनता है। वैसे अभी बन जाएगा 2-4 महीने में, और 1 महीना हो चुका है बनते बनते, तो बन जाएगा 2 महीने में पूरा। और कन्नू मुझे देख रहा है अच्छे होंगे, वाह वो भी आके हमारे बाप ने बहुत मेहनत की इस घर को बनाने के लिए, और यहाँ पर सभी बच्चे हैं। और सीरिया भी आ गई, उसका नाम है आजकल यहाँ पे आया, हम उनके साथ बहुत मस्ती कर रहे हैं और हमें बहुत मस्त पढ़ा रही है, हमें बहुत मजा आ रहा है उनके साथ। और दीदी ऊपर है, कल चले जाएंगे वो हमारे साथ आई है। धन्यवाद धन्यवाद। और ये इधर सलोनी और श्रिया और इनको शर्माती है, ये सबसे अच्छी है, ये शर्माती नहीं है। जा रहे हैं दादी और के घर पे जो हमारे साथ आए थे, उनका घर ये है। और ये है काफल का पेड़, माँ मैं समझू उनके बदली गाड़ी है ये। नमस्ते, आजकल पहाड़ों में काफल हो रखे हैं। देखिए हम इतने सारे काफल हो रखे हैं पहाड़, हमारे पहाड़ में आज हम नीचे जा रहे हैं रोड में। दादी और का घर, कोच सुर्खी लें तो वो कहने से क्या। नमस्ते हाँ ठीक बन जाए। देखी ये देखो हमारे फ्रेंड का वो आ रखा है वीडियो कॉल। नमस्ते, हाय नमस्ते, नमस्ते ठीक नमस्ते। अरे आचार मेरी लगन, नमस्ते सब लगन है। तो यहाँ पे सभी मिल रहे हैं दादी और का रोड पे, और दादी भी आ चुकी है हमारे साथ। हाय गाइस, हाय गाइस, सब अच्छे हैं, हम जा रहे हैं घूमने। मैं खुद पति डर, चलो चले हम खाएंगे इसोले। आज हम सब बच्चे हैं, अच्छे पार्टी। तो दादी हमसे बड़ी है, सबसे बड़ी दादी है, दादी के बाद मैं हूँ, तब सचिन है, तब सारे हैं। तो आज हमारा लास्ट दिन है, तो सबके साथ एंजॉय करेंगे और फिर कल हम अपने गांव चले जाएंगे और फिर मैं कोटद्वार चले जाऊंगी। ये हिसोले खा रहे हैं, आजकल गांव में हिसोले और रखे हैं।
और आधे वहाँ पे चले गए सुलह खाने, और दादी कर रही है वीडियो कॉलिंग। तो गाइस ये पहाड़ों के हिसोले हैं, हम लोग भैया बोल ना उसने दो यार, हम इन हिसोलों को कोटद्वार याद करेंगे, कोटद्वार में हिसोले नहीं होते। अभी हम घर पे जा रहे हैं और इनका मन ये तो बोलो नहीं देना चाहिए, और यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, और हमारे साथ अच्छे से घुल मिल गए हैं, और इनकी बहुत याद आएगी हमें जब अपने गांव चले जाएंगे। आज अच्छा हुआ कि हमें पेपर मिले, होमवर्क नहीं मिले, आज हम बुआ के साथ खुल के बात करेंगे, खुल के खेलेंगे, बहुत मजे करेंगे। ये वाला दिन मुझे बहुत याद आया। मैं पहाड़ों को बसी तू दिल्ली रान वाली, मैं दर को पानी वालू तू भी सिले दिवाली, नी हुंद इन मिलने कर्ण छुई नानाई, तू दस वाली मेरा मुझे में छोड़ा दिवाली, मैं डांड पूरे बासी छो पता नहीं हमने मी बिन्यान आगे बोल तू पिकनिक मनोली, मैं डांडू रे दुवासा, तू डिस्को डांस कर दी, मैं कंडू गुंडो रासा। अभी बज रहे हैं रात के 10:30 मतलब 11 बजने वाले हैं, तो आज हमने लेट खाना खाया, तो हमने पहले गोलगप्पे बनाए और खाते खाते टाइम हो गया, फिर खाना बनाया, तो आज का दिन ऐसे ही गया क्योंकि कल हम चले जाएंगे ना, तो हमें दीदी और की बहुत याद आएगी, और दीदी बिस्तर लगा रही है सचिन के लिए, और सीरिया अपने पापा से बात कर रही है, तो मामा रहते हैं देहरादून, और आज हमने खूब मस्ती करी बच्चों के साथ और अच्छा लगा हमें, तो आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। दोस्तों तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय दीदी, बाय बोल मेरा दोस्तों को, बाय गीजर बोली बाय, तो दीदी बोली तो उठो नहीं नीचे किले बहुत बतरम फोड़ जा, सचिन बाय बाय, पापा लो सीरिया बाय बाय, गुड नाइट, बाय पापा लो, मिलेंगे ओ सॉरी मिलेंगे आपको कल के व्लॉग में, और कल हम अपने घर जाएंगे मठाणा।